चले से क्या समझ में आया? देखो शूज, टेक आउट योर शूज, चलो निकालो शूज। यप, कौन से खोलना है, कौन से पहनना है? ले लिया जैकेट, छोटू मास्टर पहनाएगा कौन? मैं पहनाता हूँ, रुक जा, कम ही है। चलो भैया चलो, लेट मी ओपन इट। चलो भैया, पीछे वाली सीट में उठाना पड़ेगा, उसको बाहर निकालो। गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है आज मेलबर्न में, और आज हमको जाना है, थोड़े बहुत प्रिंट आउट कराने थे, मेरा प्रिंटर खराब हो रखा है, तो हम जा रहे थे पास ही में यहाँ पे प्रिंट आउट कराने ऑफिस वर्क्स पे। पापा भी जा रहे हैं, कियान भी जा रहा है, दोनों घर पे थे आज। निकल लिए भाइयों यहाँ से, बापू भी है, बच्चा भी बैठा हुआ पीछे, तीनों बाप बेटे। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। इस बार मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का स्टेशनरी वाली जगह होती है, यहाँ पे किस तरह से बुक्स और ऑफिस की सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोर होता है इस तरह का, ये ऑफिस वर्क, यहाँ पे आपको सारी ऑफिस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी सप्लाई मिल जाती है। जैसे इंडिया में अपनी स्टेशनरी होती थी ना, उसी तरह से यहाँ पे ऑफिस वर्क होता है, यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है। साथ ही साथ ये लोग डिजिटल चीजें भी करते हैं, प्रिंटिंग वाली चीजें भी करते हैं, फोटो प्रिंटिंग भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बेचते हैं। तो चलो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। आज मेरे को जरूरी था थोड़ा सा कुछ प्रिंट आउट करने थे, मेरा घर का प्रिंट आउट खराब हो रखा था, तो मैंने बोला यहाँ पे आके प्रिंट आउट करते और आपको बताते हैं कि अंदर से कैसा होता है स्टोर, ठीक है। चलो आओ, पापा भी और कियान भी दोनों आए हुए हैं। ये देख लो भाई, ये होता है ऐसा ऑफिस वर्क। वाओ, ये देखो ऑफिस से रिलेटेड चीजें मिलती है। देखो इस तरह की डेस्क मिल जाएगी आपको, अच्छी डेस्क है यार बाबा, $180 की। चेयर वगैरह मिल जाती है ऐसी, देखो सारी डेस्क भी लगा रखी है इधर, फर्नीचर वगैरह भी मिल जाता है ऑफिस से रिलेटेड। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह की आयल बनी होती है जहाँ पे आपके सारे लेबल वेबल बुक फाइलिंग के रिलेटेड चीजें, टेप वगैरह इस तरह की रिलेटेड चीजें, मतलब ऑफिस में जो भी आपका चाहिए पैकेजिंग वैकेजिंग वो सारा सामान मिल जाता है आपको। जनरल पेन पेंसिल बुक्स वगैरह वो तो सब मिलते ही मिलता है। जैसे इंडिया में स्टेशनरी होती है उसी तरह इसको एक बड़ी स्टेशनरी के रूप में मान लो आप। यहाँ पे सारा सेल्फ सर्व वाला काम होता है, हर जगह बड़े बड़े स्टोर बन जाते हैं, आप खुद ही जाओ सामान सारा वो रख देते हैं, खुद ही खरीदो और खुद ही काम चलाओ। तो खूब सारी वैरायटी होती है, अभी देखो फाइल वगैरह की वैरायटी सब कुछ, तो एक ही स्टॉप पे एक ही शॉप पे आपको सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये प्रिंटिंग ऑफकोर्स ऑफिस से रिलेटेड है, तो प्रिंटर प्रिंटिंग वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वही अपन आज करवाने यहाँ पे आए। देखो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीजें यहाँ पे रखते हैं, प्रिंटर वगैरह तो रखेंगे ऑफिस से रिलेटेड है तो ये। और एक और इनकी मेन चीज ये है दोस्तों कि ये हर चीज का प्राइस मैच करते हैं, प्राइस मैच और प्राइस बीट करते हैं, मतलब आपको कहीं पे कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है तो इनके पास लाओ, ये उससे भी आपको सस्ती करके प्राइस देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी चलता है प्राइस मैच, तो आपको जो भी चीज़ खरीदना पहले देख लो कहाँ मिल रही है सस्ते में मिल रही, फिर इनके पास आओ, ये उससे भी सस्ती करके आपको देंगे। देखो भाई, ये और बड़े प्रिंटर्स का सेक्शन ये वो, जैसे फ़ोन वगैरह के भी ऑप्शन रखते हैं लोग कुछ चुनिंदा, ये गूगल होम वगैरह भी अलग से, देखो और फोन के ऑप्शंस इनके पास इतने सारे होते हैं, ये भी प्राइस मैच कर देते हैं। ये आईपैड वगैरह कोर्स मॉनिटर्स कंप्यूटर्स तो रखते ही हैं ये, देखो ऐसे वॉच के भी ऑप्शंस है सारे। अरे भाई मेरे को कहाँ ले जा रहा है, बोर हो गया क्या तू ऑफिस वर्क्स में? पेन पेंसिल पेंटिंग, सो मेनी कलर्स, यू वांट टू ट्राई वन? हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जैसे पे के एरिया है वहाँ पे प्रिंट एंड कॉपी सर्विस का एरिया, मैंने पिताजी को क्यों में लगा दिया जब तक मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो रहे पिताजी कीशा के लिए जो पासपोर्ट का फॉर्म है वो फिल कर दिया था, वही प्रिंट करवाना है, वो अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड भी प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी तो जस्ट फॉर्म प्रिंट करवाने आए यहाँ पे जो फिल कर दिया अपन ने, वो फॉर्म जो है वो ऑस्ट्रेलियन पोस्ट पे सबमिट होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई रखा है, उसकी मैं लिंक इधर डालूंगा, आप देखना ऑस्ट्रेलियन पोस्ट का कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। व्हाट आर यू लुकिंग एट कियान? देखो भैया पापा और बच्चे खेल रहे हैं आराम से, अपन ने प्रिंट आउट का बोल दिया है, ऐसे इस ईमेल पे भेजा, वो प्रिंट आउट करके ला रही है। हाँ भैया हो गए प्रिंट आउट, ये देखो पापा ने प्रिंट आउट ले लिया है, वो मैंने एट द सेम टाइम उससे एक प्रिंटर का पूछा भी मैंने कि कितने का मिल रहा है, क्योंकि मुझे वैसे भी प्रिंटर लेना था, और मैंने उससे पूछा भी अभी कि प्राइस मैच करेगी कि नहीं, और उसने एक्चुअली मेरे को प्राइस मैच करके भी दिया। हाँ दोस्तों, जो मैंने प्रिंटर यहाँ पे देखा था उनकी प्राइस जो थी $328 की थी, और वही प्रिंटर मैंने ऑनलाइन देखा था तो 270 में मिला था, तो मैंने उससे बोला यार ये वेबसाइट पे तो ये 278 में बेच रहे हैं, क्या आप इसको प्राइस मैच करोगे? तो उसने बोला हाँ प्राइस मैच करेंगे, उसने प्राइस मैच करके मेरे को एक्चुअली उसका कोड भी दे दिया, बस उन्होंने उसमें थोड़ा सा शिपिंग कॉस्ट डाल रहे थे तो वो मुझे 280 के आसपास पड़ रहा था, मतलब कि अगर कोई नॉर्मल बंदा जाके सीधे यहाँ से प्रिंटर लेता तो उसको 330 का पड़ता, लेकिन उनसे प्राइस मैच करवाओ तो अपने को 278 का या 270 के आसपास पड़ जाता है, मतलब $50 की आपकी सेविंग हो रही प्राइस मैच करवाने से। तो कभी भी ऑफिस वर्क्स पे आओ, कुछ इस तरह की चीज़ लेना आपको, ऑनलाइन प्राइस देखो और इनसे प्राइस मैच करवाओ, दूसरे भी इस तरह के स्टोर होते हैं जो प्राइस मैच करते हैं तो आपका फायदा हो जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, अभी हो गया अपना काम यहाँ से, अभी तो मैंने प्रिंटर नहीं लिया, मैं और देखूंगा उसको भी कहीं से और सस्ता मिल सकता है का, नहीं तो फिर अपन यहाँ से ले लेंगे बाद में।
तो अभी यहाँ से निकलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पजल या गेम कुछ लेना था कियान के लिए, तो वो लेते हैं। भाई ऑफिस वर्क के साइड में रिजेक्ट शॉप थी, रिजेक्ट शॉप मतलब यहाँ की जो सबसे सस्ती काइंड ऑफ शॉप होती है, $2 टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे सस्ते में सारी चीजें मिल जाती है। अगर आपको सस्ते में कुछ लेना होता है, बच्चों को भी खिलौने यहाँ पे, अब बच्चे तो हर आए दिन कुछ ना कुछ खिलौने मांगते रहते हैं, तो उनके लिए एकदम एक्सपेंसिव वाले तो ले नहीं सकते। तो यहाँ से मैं इसके लेके थोड़ा सा पजल उठा रहा था, जिसमें कियान को खेलने में भी काफी मजा आता है, तो देखते वो कर पाता है कि यहाँ पजल। तो अगर आपको कुछ सस्ती चीजें खरीदना तो रिजेक्ट शॉप पे भी जाना आप, यहाँ पे ना हर चीज़ नहीं होती, लेकिन जो भी चीज़ होगी यहाँ पे मोस्टली घर से रिलेटेड मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी कंपैरेटिवली आपको। भाई ये वहाँ से निकले थे ऑफिस वर्क से, रिजेक्ट शॉप से इसके लिए खिलौना लिया, और इतने में अपने को लिस्ट आ गई घर से, जो हमेशा आ जाती जैसे ही घर से निकलो। तो बस थोड़ा बहुत सामान लेना था, उसके लिए हम इधर टानी सेंट्रल आ गए थे। ये तो आपने कितनी बार देख रखा, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो बस यहाँ से दो चार चीज़ें लेनी है, वो लेके यहाँ से चलते हैं फिर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक रिमाइंडर ऐसे याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में मेरे को काफ़ी सारी सजेशन मिली है नए वीडियोज़ बनाने के लिए, वो सब मैं बनाऊंगा। यहाँ पे एक्सपेंस कितना होता है, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन से स्कूल अच्छे हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड भी मैं टॉपिक्स बनाऊंगा जल्दी। तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल, वो सारा कंटेंट भी आ रहा है। भाई ये देख लो, ट्रॉली ले ली और इसको बिठा दिया। यहाँ बड़ी वाली ट्रॉली लो तो उसमें बच्चों को बिठा सकते हो, तो एटलीस्ट इनको संभालने का एक्स्ट्रा अपने को एफर्ट नहीं लगता, ये बैठे रहते हैं और सारी आपकी शॉपिंग हो जाती है। भाई ये देख लो, राइस की वैरायटी देख लो, यहाँ पे सारी राइस मिल जाएगी तुमको भैया। दावत, इंडिया गेट, फलाना, डिमका, फॉर्चून, मतलब इतना सारा सेक्शन भरा हुआ है, सारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। कियान के लिए ले लिया स्नैक, चलो। हाँ भाई, इंडियन ग्रोसरी से एक दो सामान ले लिए, कोल से एक दो सामान ले लिए, अभी जा रहे हैं वेजी स्टोर पे, वहाँ से लेना है थोड़ा सा, क्या लेना था वेजी स्टोर से, लाल प्याज और देख लेंगे एक आध चीज़। भाइयों वापस सीधे घर पे सारा सामान लेके, और आज हम बनाने वाले मोमोज। मोमोज की तैयारी है, मैदा ले लिया, नमक उमक डाल दिया है, गार्लिक, जिंजर, कैबेज, मशरूम्स, शैलट्स और क्या बोलते हैं कैरेट, सारी चॉप कर दी है, और इसका थोड़ा सा मैं मसाला तैयार करता हूँ, फिर बनाएंगे मोमो। हाँ भाई, मसाला तो हो गया था तैयार, ठंडा हो रहा है, और इधर पिताजी ने चालू कर दिया थोड़ा सा, ये वो भी बनाना चालू कर दिया मोमोज के लिए, आटे को रेडी कर रहे हैं। प्रोग्रेस, मोमोज बन गए, आधे स्टीम पे चढ़ा भी दिए, जैसे ही बन के निकलते आपको बताते कैसा रहा ये प्रोसेस। टोटल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बेटा, मोमोज और मसाले का कुछ भी ज़्यादा कम नहीं बचा। ये हमारा इडली वाला कुकर है, इसी में बना रहे हैं अपन, ठीक है। इतने परफेक्ट गोल तो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि अब इतने प्रोफेशनल तो है नहीं अपन, पर काम चल जाएगा अपना। ये मेरे प्यारे बेटू, हेलो छोटी, ओयो नहीं नहीं रोते नहीं है, बातें करती मेरी बेटी, फिर से बोलो। बी केयरफुल, हाँ हेलो बेबी पिलो।